थोड़ा सा आगे पिछले टर्न पे हमने क्या पढ़ा था, पिछले टर्न में हमने पढ़ा था कि भाई अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है, स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन होता है, तो क्यू वैल्यू, जो रिएक्शन की क्यू वैल्यू, जो एनर्जी निकलता है, वो एक्चुअली अल्फा डॉटर न्यूक्लियस के द्वारा शेयर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, जिसमें से हमने अल्फा पार्टिकल की तरह शेयर किया था, याद है, ए माइनस फोर अपॉन ए इंटू क्यू, और वो कितना किया था, फोर अपॉन ए इंटू क्यू, वाई वाला किया था फोर अपॉन ए इंटू क्यू, और अल्फा पार्टिकल किया था ए माइनस फोर अपॉन ए इंटू क्यू, ये एनर्जी का शेयरिंग हुआ था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो अपने पूरा निकाला था, सिंपल सी बात है। अब देखो ऐसा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे अल्फा पार्टिकल मान लो अल्फा डीके हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि उस अल्फा डीके जो हो रहा था, अल्फा का जो बीम आ रहा था, उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया गया, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि भाई अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, तो मान लो एक अल्फा पार्टिकल यहाँ एंट्री लिया, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो मान लो एक अल्फा पार्टिकल एंट्री लिया, एक्सपेक्टेड था कि वो इस रेडियस है, मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस विल बी एम वी अपॉन क्यू बी, तो एक्सपेक्टेड था कि इस रेडियस में वो चक्कर लगाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया, तो अल्फा डीके के सामने हमने एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया, तो देखा क्या गया कि ये वाला पार्टिकल ऐसे करके निकल गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्सपेक्टेड रेडियस था उस रेडियस पे वो निकल गया, बट ऐसा देखा गया कुछ अल्फा पार्टिकल इससे छोटी रेडियस में निकला, तो फिर दिमाग में आया कि यार अगर सारा काइनेटिक एनर्जी वाई और अल्फा पार्टिकल ही शेयर कर रहा है, सारा काइनेटिक एनर्जी वाई और अल्फा पार्टिकल ही शेयर कर रहा है, तो फिर आखिर सबका रेडियस सेम क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है कि कुछ का रेडियस छोटा है, कुछ का रेडियस बड़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ लोचा है कि वेलोसिटी में कुछ कमी है, यानी कि सारा काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल शेयर नहीं कर रहा है, वो जो क्यू वैल्यू का जो एनर्जी था वो अल्फा पार्टिकल ही शेयर नहीं कर रहा, यहां कोई तीसरा शेयरिंग करने वाला बैठा हुआ है। तब पता चला कि एक्चुअली अल्फा इमिशन में गामा का भी इमिशन होता है, अल्फा इमिशन में गामा रे का भी इमिशन होता है। गामा है क्या? गामा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, गामा कुछ भी नहीं है, गामा क्या है? गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन है, जो कि एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि अल्फा डीके में जो क्यू वैल्यू रिएक्शन का तुमने निकाले, उस क्यू वैल्यू का कुछ हिस्सा गामा रे भी रखता है, बाकी का हिस्सा अल्फा और वाई में डिवाइड होता है, इसी वजह से अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी वो ना आके उससे थोड़ी कम आ जाती है, जिस वजह से रेडियस छोटा दिखा, किसी में गामा का रेडिएशन नहीं हुआ तो रेडियस बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा, किसी में गामा का रेडिएशन हो गया उसमें रेडियस छोटा दिख गया, यानी कि जो हम रिएक्शन में क्यू वैल्यू निकाले हैं उसका कुछ हिस्सा गामा इमिट करेगा, यानी कि अब जो मेरा रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि एक्स ए और जेड जब रिएक्शन करेगा तो डॉटर न्यूक्लियस वाई ए माइनस फोर और जेड माइनस टू तो इमिट करेगा ही करेगा, साथ में अल्फा पार्टिकल भी इमिट करेगा और साथ में गामा रे भी इमिट करेगा, तो कुछ एनर्जी इस गामा रे के पास भी होगी, यानी कि अब अगर मुझसे कोई बोला कि अल्फा रे ने कितना एनर्जी शेयर किया, तो जो भी हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी शेयर्ड बाय अल्फा जो हमारा आया था वो क्या आया था, याद है, ए माइनस फोर बाई ए इंटू क्यू आया था, अब ये क्यू क्यू नहीं है, क्यू में गामा रे ने कुछ एनर्जी ले ली, माइनस ई ऑफ गामा माइनस करो, ये जो बची हुई एनर्जी है वो अल्फा शेयर करेगा और वो वाई शेयर करेगा, और सिमिलरली एनर्जी शेयर्ड बाई वाई विल बी ए, क्या था, क्यू फोर क्यू बाई ए इंटू क्यू माइनस ई ऑफ गामा, दिस विल बी द एग्जैक्ट इक्वेशन, दिस विल बी द एग्जैक्ट इक्वेशन। अब बात यह है कि आखिर गामा रे इमिट क्यों हुआ, देखो होता है ऐसा है, समझना, गामा रे का मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि गामा रेडिएशन क्या होता है, समझना इस चीज को, फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूं गामा रेडिएशन होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं क्या बोलता हूं, किसी भी एटम का अपना शेल्स होता है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन, जो हायर इलेक्ट्रॉन हायर शेल में होता है वो एनर्जी इमिट करके लोअर शेल में आता है ना, क्यों आता है लोअर शेल में, एक्साइटेड होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है हायर शेल में, फिर वो लोअर शेल में आता है और फोटोन रिलीज करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक्साइटेशन स्टेट होता है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी अपना एक्साइटेशन स्टेट होता है।
अब तुम बोलोगे अच्छा न्यूक्लियस का अगर एक्साइटेशन स्टेट होता है तो न्यूक्लियस भी एक्साइटेशन स्टेट पे क्यों नहीं जाता है, हम लोग तो नहीं पढ़ते ऐसा। एक्चुअली न्यूक्लियस का एक्साइटेशन स्टेट के बीच में एनर्जी का गैप सम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होता है। सुनना मेरी बात गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। न्यूक्लियस हमारा जो एनर्जी का गैप होता है हाइड्रोजन में, इसमें क्या होता है सम मिनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रेडिएशन आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन गिरा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हाइट में चला गया, सब एक 400 नैनोमीटर का फोटोन गिरा किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सीधा वो चला गया। क्यों? एनर्जी गैप बहुत कम है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन भाई हाइड्रोजन के पहले और दूसरे सेल के बीच का एनर्जी गैप कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन ने उसकी फुलफिल की एनर्जी, वो तुरंत में कूद के ऊपर चला गया, कोई दिक्कत बात नहीं, एक्साइटेड हो गया। बट न्यूक्लियस को एक्साइटेड करने के लिए, न्यूक्लियस को एक्साइटेड करने के लिए वी रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नॉर्मली हमारा विजिबल या अल्ट्रावायलेट का, चलो अल्ट्रावायलेट या विजिबल नहीं दे सकता, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से दे पाएगा वो, आ रही बात समझ में। इसी वजह से न्यूक्लियस जनरली इतनी आसानी से अपने हायर एक्साइटेड स्टेट पर नहीं जाता है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज होती है, तुम सोचो न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में न्यूक्लियस जो है वो अपने हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में जो न्यूक्लियस होता है वो अपने हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि आसानी से उसको हायर स्टेट पहुँचाने के लिए काफ़ी है। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, तो एनर्जी का कुछ हिस्सा लेकर, सुनना मेरी बात गौर से, जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो एनर्जी का कुछ हिस्सा लेकर जो डॉटर न्यूक्लियस है वाई का, वो क्या करता है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। डॉटर न्यूक्लियस है वाई का, वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया क्यू का कुछ हिस्सा लेकर। अब क्यू का कुछ हिस्सा लेकर वो हायर स्टेट में चला गया, जो क्यू हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया उस क्यू का कुछ हिस्सा लेके वो चला गया, यानी कि अब जो क्यू बचा है, यानी कि क्यू माइनस ई की बात कर रहा हूँ मैं, वो बचा हुआ हिस्सा दोनों काइनेटिक एनर्जी बांटेगा वाई और अल्फा में। बट जब वो न्यूक्लियस हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा, जब वो न्यूक्लियस हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक लार्ज एनर्जी गैप का एक फोटोन रिलीज करेगा, एक लार्ज एनर्जी गैप का, जिस फोटोन का लेमडा बहुत कम होगा। दैट फोटोन जो कि निकला इज कॉल्ड द गामा रे। वो जो फोटोन निकलेगा उसी का नाम है गामा रे। गामा है कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गामा रे कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो तब निकलता है जब न्यूक्लियस अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के दो स्टेट के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा जिसका लैम्डा बहुत छोटा होगा। दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज गामा रे, यानी कि अल्फा डिके में गामा डिके साथ चलता है। हो सकता है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ तो नहीं भी हो सकता है, बट जनरली अल्फा डिके में गामा डिके भी साथ में होगा, तो एनर्जी का शेयरिंग ऐसा होगा। यानी कि अब अपन ये नहीं बता सकते, अब समझना इस चीज़ को, अपन ये नहीं बता सकते कि एनर्जी कौन कौन शेयर करेगा कुछ भी। अब भाई गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो तो कोई कुछ भी हो सकता है उसकी एनर्जी। भाई न्यूक्लियस कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया हमें क्या पता, वो तो हमें गामा का एनर्जी से ही पता चलेगा ना कि हाँ ये इतना एनर्जी लेके ऊपर चला गया। तो हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया है, बस हम इतना बता सकते हैं कि हाँ ये क्यू रिएक्शन है, क्यू रिएक्शन इतना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, डॉटर की सारे डॉटर की टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो माइनस कर दिया तो इतने का गामा रेडिएशन होने वाला है, हम ये बता सकते हैं। लेकिन एनर्जी का शेयरिंग कैसे होगा ये नहीं बता सकते हम, आ रही बात में, जब तक कि वो सवाल में ये ना दे कि गामा रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है। अगर गामा रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है तो तुम बोल सकते हो कि हाँ एनर्जी का शेयरिंग कुछ ऐसा होगा, या फिर वो ऐसा ही बोल सकता है कि एनर्जी जितना भी एनर्जी क्यों निकला वो सारा अल्फा पार्ट के लिए, मतलब क्वेश्चन इमेजिनरी वो पूछ सकता है कि जो जितना एनर्जी निकला वो सारी एनर्जी लेके अल्फा पार्ट के लिए, अल्फा पार्ट के लिए सारी एनर्जी लेके भाग गया। तो क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि सवाल देखो एससीबी में एक सवाल दिया हुआ था एग्जांपल में, देख रहे सवाल क्या दिया हुआ है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को उसने बोला काइनेटिक एनर्जी बताओ इमिटेड इन द डीके ऑफ ये, ये रिएक्शन दिया हुआ है अल्फा डीके का, सबका मास दे दिया,
neglect any recoil of residual atom, यानी कि residual atom बोले तो Y, U और PU में कोई बचा हुआ कुछ recoil उकोइल नहीं हुआ, मतलब इनके पास कोई energy नहीं है, ऐसा बोला है कि इनके पास कोई एनर्जी नहीं है और प्लस गामा रेडिएशन तो इमिट हो नहीं रहा है, यहाँ प्लस गामा इसने दिया ही नहीं है, तो इसने बोला कि यार इनके इनके पास कोई एनर्जी नहीं बची है, बस जो भी एनर्जी आई है वो अल्फा लेके भागा है, यानी कि जो जो भी इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू आएगा वही होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिंपल सी बात है भाई, जब इसने ऐसा बोल दिया सवाल में, इमेजिनरी सवाल बना दिया कि सारा एनर्जी लेके अल्फा पार्टिकल ही भागा है, तो बताओ अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन होगी। क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये बताया कि इनका मास कितना है, पैरेंट न्यूक्लियस का टोटल मास जोड़ दो, पैरेंट न्यूक्लियस का टोटल मास जोड़ दो, इसको इससे माइनस कर दो, तुम्हें पता है कि 1U कितना होता है, 1U 931 किलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1U की वैल्यू, तो जैसे तुमने माइनस करके हटाया तो जो U आया उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके भागेगा। तो भाई क्वेश्चन तो इमेजिनरी कुछ भी बना सकता है, अगर कुछ भी ना दिया गया हो तो अपने को वो यूज़ करना है कि a माइनस 4/a क्यू माइनस ई गामा, ई गामा अगर नहीं दिया गया है तो सिंपल q से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी का वो अल्फा पार्टिकल शेयर करेगा और बचा हुआ जो एनर्जी है वो वाई पार्टिकल शेयर करेगा। तो इस तरह का सवाल होता है अल्फा पार्टिकल में। चलो अपन आगे बात करते हैं, तो बच्चों आगे हम बात करते हैं इसमें हीलियम के डिकम्पोजिशन से, अल्फा पार्टिकल के डिसइंटीग्रेशन से अपन कुछ एक दो सवाल लेते हैं जो आईआईटी में आए हुए हैं। 2003 में ये सवाल आया था, बहुत सिंपल सवाल है, देखो कितना सवाल था, दो सवाल कहता न्यूक्लियस विथ मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल इफ क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखो इस रिएक्शन में ये कुछ भी नहीं बोला है कि सारी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेगा या कुछ डॉट न्यूक्लियस जो बनेगा वो लेगा, तो यानी कि अगर इस पे कुछ भी क्लियर वो नहीं कर रहा है तो अपने को बिल्कुल बेसिक से जाना है। बेसिक बोले तो अपने को पता है फॉर्मूला से क्या कि काइनेटिक एनर्जी शेयर्ड बाई अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी शेयर्ड बाई अल्फा पार्टिकल में भी ए माइनस 4/a इंटू क्यू, दैट इज ए कितना है, ए 220 माइनस 4 अपॉन 220 इंटू 5.5। ये तरीका है, ये प्रॉपर मेथड है कि हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। सपोज कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि तुम फार्मूला भूल जाओ, अगर सपोज तुमने फार्मूला भूल गया, तुम फार्मूला भूल जाते हो तो बेटर ये रहेगा कि तुम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से करते हुए जाओ। बेसिक जैसे मैंने अभी ड्राइव किया था कि पूरा बेसिक से लेते हुए, बेसिक से लेके मोमेंटम ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ दैट वाई न्यूक्लियस, मोमेंटम सेम करो, क्यू वैल्यू को दैट सम प्लस दैट सम के बराबर करो, उसको पी स्क्वायर बाय 2m लिखो और फिर वो सारा कुछ करते हुए फिर ये फार्मूला, वैसे भी यही फार्मूला आना है तो तुम्हें ये अप्लाई करना आना चाहिए। आर ये बात समझे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें, जैसे मुझे बोल देता है कि फाइंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम बोलता, अब जैसे मैं ये वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू आती है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कुछ आता है, ठीक है। मुझे बोलता है फाइंड द मोमेंटम, अब मुझे पता है एनर्जी पता है, तो मोमेंटम में क्या बोलता भाई, एनर्जी अगर मुझे पता है तो पी स्क्वायर बाय 2m क्या होता है, के ही होता है, तो वहां से पी निकाल लेता। मुझे बोलता है वेलोसिटी निकालो तो 1/2 mv² बराबर ये कर देता, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेता, तो वहां से मैं वेलोसिटी निकाल लेता। यानी कि तरह तरह का क्वेश्चन कैसा भी दिया अपन डील कर सकते हैं, बस करना ये रहेगा कि अपने को वहां पर नॉर्मली चीज़ों को ध्यान देना है कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। आई बात समझ में, चलो अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ये भी एक सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ही, पूछा गया 1999 में पूछा गया था, बहुत सिंपल सवाल था। उसने बोला कि न्यूरॉन पार्टिकल जो न्यूक्लियस जो है वो दो अल्फा पार्टिकल ब्रेक करता है, दो अल्फा पार्टिकल ब्रेक करता है, बताओ जो नया बना डॉटर न्यूक्लियस वो क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर न्यूरॉन की बात करूँ तो Ne22 अगर ब्रेक करता है दो अल्फा पार्टिकल में, दो चार और दो में, तो पक्की बात है यहाँ से 8 कमेगा, यहाँ से 8 कमेगा तो जो y बनेगा 4 2 8, 22 में से 8 को माइनस करो दैट विल बी 14, और यहाँ 4 माइनस करो यानी कि 14 किसका होता है, 14 किसका होता है, तो 14 मेरा जो होता है वो किसका होता है, वो होता है नाइट्रोजन का होता है ना, नाइट्रोजन का 714। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन सोडियम नियॉन, तो नियॉन का अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, याद है ना, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अगर नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो 10 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6। अब तुम देखो यहाँ से 4 माइनस किया तो यहाँ तो 6 बचा, और यहाँ क्या बचा, 8 माइनस किया तो 14 बचा,
वाई 14 और 6, ये कौन सा एटम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो और मास नंबर 14 हो? याद है कार्बन का आइसोटोप्स, कार्बन का 3 आइसोटोप पाया जाता है, C6-12, C6-13 और C6-14। ये कार्बन है, पहले लग रहा था ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, आड़ी बात समझे। तो यहाँ सिंपली अपन यहाँ से ऐसे डील कर सकते हैं कि भाई कौन क्या बन रहा है, कौन बनेगा। तो यहाँ से अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहा केमिस्ट्री में, जैसे मैं केमिस्ट्री तो भूल जाता हूँ, जनरली तुम भी भूल जाते होगे, बट मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो मैंने यहाँ से बता दिया कार्बन का ये आइसोटोप्स होगा, आई बात समझे। तो इस तरह का सवाल अल्फा डीके में पूछ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल, अल्फा डीके तो कोई खास है नहीं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अल्फा डीके के बारे में अपन